स्वास्थ्य संपर्क में आपण मानक सचेतन करेबार आमर प्रयास जारी रही। प्रत्येक अध्याय आपण एक निर्दिष्ट स्वास्थ्य समस्या विषय विशेषज्ञों ठूँ परामर्श नि आज अध्याय आसतु एक निर्दिष्ट स्वास्थ्य समस्या को नहीं विशेषज्ञों ठूँ किसी परामर्श ना कथार अच्छी देह अच्छी तो रोग अच्छी रोग को अस्वीकार करने असंभव एंतुड़ी छाण जुईगाड़ा पर्यंत प्रलंबित जीवन जात्रा रे मनीष जेकोसी स्वास्थ्य समस्या पीड़ित हो पाए किंतु सचेतनता द्वारा किसी रोग को एड़ाइवा संभव सेमती गोटे स्वास्थ्य समस्या हेपाटाइटिस। वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे लक्ष्य या लोक सचेतन करवा आम हेपाटाइटिस विषय हेपाटाइटिस कौन एवं कहपे और हेपाटाइटिस रोग केमी रक्षा मिल रोग ट्रिटमेंट कौन एवं गवर्नमेंट इनिशिएटिव कौन कौन हो पाए हेपाटाइटिस रोग ठूँ आम दूर रही पार यहीटा है वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे लक्ष्य। यही वर्ष जुलाई 28, 2023 वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे जो थीम रही थीमटा है वी कैंट वेट आम आउ अपेक्षा करानी एवं एक्शन नवा जमी आम हेपाटाइटिस रोग को दूर कर वर्ल्ड रु। हेपाटाइटिस रही अनेक प्रकार भेद एवं यह विभिन्न उपाय शरीर को प्रवेश करें यह हेपाटाइटिस साधारण हो पारे किंबा मारात्मक मध्ये। हेपाटाइटिस कहले आम लिवर गोटे इनफेक्शन गोटे प्रकार भाइरस अच्छी तो यहाँ भाइराल हेपाटाइटिस विषय में सचेतनता करने हेपाटाइटिस बहुत प्रकार इनफेक्शन जो हो पारे किंबा अलग किसी जमी अल्कोहल हेपाटाइटिस हो पारे अलग केमिकल पॉइजनस टॉक्सिन्स आम बॉडी गले सेगुड़ा भी हेपाटाइटिस कर पारे तो भाइराल हेपाटाइटिस जोटा कि भाइरस गोटे भूताणु जोड़ा लिवर को एफेक्ट करे तो यहाँ पांच प्रकार भाइरस अच्छी जोटा आम लिवर को एफेक्ट कर पारे जमी हेपाटाइटिस ए आउ ई हेपाटाइटिस बी सी आउ डी ये पांच प्रकार भाइरस अच्छी जोटा कि लिवर को एफेक्ट कर पारे। शरीर गोटे जैविक जंत्र एवं यकृत को रासायनिक कारखाना द्वितीय मस्तिष्क आख्या दे विशेषज्ञ तेरे हेपाटाइटिस भूताणु सीधा सड़क यकृत व लिवर को करें संक्रमित। हेपाटाइटिस ए आउ ई जो दुटा बहुत कॉमन हेपाटाइटिस जोटा कि दूषित खाद्य एवं पानीय पदार्थ ट्रांसमिट हुए तो आम जमी बाहर दूषित खाद्य पदार्थ खाद्य खाऊंट कि खराब पा पीऊँच जो थी हेपाटाइटिस ए आउ ई ट्रांसमिट होवार चांसेस अच्छी तेणु हेपाटाइटिस ए ई जोटा कि आम कौ फिको ओराल रूट जोटा कि दूषित खाद्य पदार्थ किंबा मल द्वारा जदि मल निष्कासन जो होती परिष्कार परिच्छन नहीं आमर ट्रांसमिट से जो हो पारे वाटर सोर्स को वाटर सोर्स रु पुणी आम पाखु सेटा हेपाटाइटिस आसी पारे तेणु वाटर एवं दूषित खाद्य पदार्थ गोटे इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ हेपाटाइटिस ए आउ ई भाइरस जो थी कि आम हेपाटाइटिस ए ट्रांसमिट आउ हेपाटाइटिस बी सी डी जोटा कि हेपाटाइटिस बहुत डेंजरस मारात्मक रोग जो हेपाटाइटिस बी सी डी एटा है ब्लड किंबा सेक्सुअल कंटाक्ट रे ट्रांसमिट हुए तेणु एटा कहते ब्लड बर्न डिजीज बा सेक्सुअल कंटाक्ट रिलेटेड डिजीज जो हेपाटाइटिस बी सी डी आउ हेपाटाइटिस बी आउ डी हेपाटाइटिस बी डी जो पेशेंट को हुए हेपाटाइटिस बी से पेशेंट रो डी हो पार हेपाटाइटिस डी इंडिविजुअली क्या हुए नहीं हेपाटाइटिस बी हेले से पेशेंट रो सुपरएडेड हेपाटाइटिस डी इनफेक्शन होवार चांसेस अच्छी एवं तापर हेपाटाइटिस सी जोटा कि बहुत ड्रेडेड डिजीज तो हेपाटाइटिस सी जोटा कि ब्लड बर्न किंवा सेक्सुअल कंटाक्ट रे ट्रांसमिट हो पारे तेणु हेपाटाइटिस बी सी डी ए तीन टा बहुत मारात्मक हेपाटाइटिस कराए। विशेषज्ञों मतरे हेपाटाइटिस बी सी एवं डी अधिक मारात्मक एवं हेपाटाइटिस ए एवं ई रो यकृत उपर क्षीण प्रभाव थाए किंतु लक्षण गुड़ी को सठिक भाव में जाणी विशेषज्ञों परामर्श द्वारा रोगर जटिलता को नियंत्रण कर। हेपाटाइटिस बी सी आउ डी जोटा कि मुझे कहली डेंजरस हेपाटाइटिस करे तो से कौन हुए सी हेपाटाइटिस बी सी डी जाइक आम बॉडी रो क्रोनिकली इनफेक्ट करे लिवर को से बहुत लंबा समय धरी से इनफेक्शन रहे। हेपाटाइटिस ए आउ ई जोटा खाद्य पदार्थ एवं दूषित पानी जल जाए सेटा मोस्टली आमर 4 सप्ताह रु 6 सप्ताह भितर ठीक हो जाए मसे रु 1.5 मास भितर आमर हेपाटाइटिस ए आउ हेपाटाइटिस ई जोटा दूषित खाद्य पदार्थ जाऊँगी तो से गुड़ा हेपाटाइटिस ए देढ़ मास भितर से संपूर्ण ठीक हो जाए जदि आम सिम्टोमेटिक मेडिकेशन दू पेसेंट को रेस्ट करू एवं पेसेंट रो खावा पीवार ध्यान रखू तार डाएट रेस्ट्रिक्शन करूँ किंतु हेपाटाइटिस बी सी डी बिना ट्रीटमेंट रे ये आम शरीर जाए नी। हेपाटाइटिस सी गोटे बहुत डेंजरस डिजीज थिला
जोटा कि आगुरु तार ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट थिला एवं तार मेडिसिन बहुत कॉस्टली थिला, किंतु आजिकल जोटा कि आईवी इंटरफेरन आगुरु दबाव पड़ा बहुत लक्ष लक्ष टंकार से इंजेक्शन आसुला एवं सेटा लंबा टाइम वर्ष वर्ष धरी से इंजेक्शन चलुला पेसेंट मानकर। आजिकल किंतु हेपाटाइटिस सी रो बहुत ड्रास्टिक ट्रीटमेंट चेंजेस आसी जोटा नुआ ड्रग्स गोटे हेपाटाइटिस रो जोटा आम कौच ओराल डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स सेटा ओनली 3 मंथ्स जदि पेसेंट खाऊ मोर देन 95% पेसेंट हेपाटाइटिस सी मुक्त हो जाऊ। तेणु हेपाटाइटिस सी गोटे ट्रीटेबल डिजीज आजिकल 3 मास पेसेंट ट्रीट कले ठीक हो जाऊँगी। तेणु मोस्ट इम्पोर्टाट है आजिकल डायग्नोसीस करा आमको जदि जना पड़ा हेपाटाइटिस सी अच्छे आम ट्रीटमेंट कले पेसेंट ठीक हो 100%। आउटा रहा हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस बी जदि आम डायग्नोसीस कर पार्छन जोटा कि सिंपल ब्लड टेस्ट रे हेपाटाइटिस बी आउ सी दुटा डायग्नोसीस करहब आम आंटी एचबीएस हेपाटाइटिस बी पाई आउ हेपाटाइटिस सी पाई ब्लड टेस्ट करथाउ जो थरो सेथरो एंटीजन एंटीबॉडी देखथाउ वायरस रो जो थरो इजीली डायग्नोसीस करहब विदिन 1 डेज से रिपोर्ट आसी जो हेपाटाइटिस बी सी से आमको डायग्नोसीस करहब को पेसेंट हेपाटाइटिस बी अच्छे को पेसेंट हेपाटाइटिस सी अच्छे। तो हेपाटाइटिस बी गोटे जो बहुत डेंजरस डिजीज सी डिजीज है मान हेपाटाइटिस बी रो बहुत लंबा टाइम ट्रीटमेंट चले किंतु तार ट्रीटमेंट पॉसिबल एवं तार भल ड्रग्स आसीगले आग अपेक्षा से ड्रग्स रो रेस्पन्स बहुत आसीगले। इवन हेपाटाइटिस बी कैन बी क्योर्ड बट इट टेक्स लंगर टाइम टू ट्रीट। कथार अच्छे स्टिच इन टाइम सेव्स नाइ जकृत शरीर सबुठ गुरुत्वपूर्ण अंग शरीर को जाऊथिबा अदरकारी पदार्थ गुडी को जकृत ही अटकाई थाए रक्त तैयारी में साय करें 500 अधिक कार्य नियोजित होता है जकृत तेज यार सुरक्षा दिगरे आम जत्नवान होगा निहाती आवश्यक। हेपाटाइटिस कहले आम लिभर को इनफेक्ट कला आम लिभर रोटे मेन काम है जोटा आमर जिते आम ब्लड सेल सब जो मेच्योर हो जा बुढ़ा बयस हो जा ब्लड सेल गुड़ाकर तो सी डैमेज हो जाए आम बॉडी भितर डैमेज हेल्ले से गोटे बिलुरुबिन गोटे जिनस बाहर जो बिलुरुबिन आम शरीर बिलुरुबिन मात्रा बढ़ीगले जंडिस हुए। बिलुरुबिन केमती बढ़ी जाए जदि लिभर सेल राम है जो मेटाबोलिक एक्टिविटी आम शरीर कराए लिभर सेल रोटे इंपोर्टाट फंक्शन है मेटाबोलिक एक्टिविटी कराए जोटा कि आम शरीर जंडिसटा को बाइल बा पित्त नली दे कि से निष्कासन कराए खाद्य नली भितर को जदि लिभर सेल डैमेज है ये भाइरस जाकि आम जो हेपाटाइटिस बी सी एम सब जाकि बॉडी भितर से ब्लड किंबा ओरल ट्रांसमिट हो कि आम लिभर सेल को एफेक्ट कराए से तो लिभर सेल डैमेज है तार नॉर्मल फंक्शन एफेक्टेड है तेणु सी आउ बिलुरुबिन एक्सक्रीट कर पारे तो बॉडी रो बिलुरुबिन बा बिलुरुबिन रो मात्रा बढ़ी जाए ब्लड रे तो जोटा कि जंडिस बा आखि हलदिया हवा परिस्रा हलदिया हवा यह सब आकार लक्षण प्रकाश करे। तो यहाँ इनिशियल लक्षण आम जंडिस रहा आखि हलदिया हवा परिस्रा हलदिया हवा भोक कमी जावा बांति लगवा एगुटा इनिशियल लक्षण किंतु जो हेपाटाइटिस बी किंबा सी हो कि जदि लिभर को अत्यधिक एफेक्ट कला तो लिभर सिरोसिस होवार चांसेस अच्छे जदि हेपाटाइटिस बी आउ सी जन तो लिभर सिरोसिस ताले से कंडीशन रे पेटर पानी भरी जाए ताको आमे कहउछन्ते एसाइटिस गोड़ फुली जाए एवं कला झाड़ा बा रक्तवांति होवार संभावना भी थाए। जदि पेसेंटर लिभर सिरोसिस हैला आमर खाइबा नळी रे भेन फुली जाए एवं पेट भितर गोटे भेन फुली जाए जोटा को आम कौच इसोफेजियल भेरीसीस गैस्ट्रिक भेरीसीस जोटा फाटिगले कला झाड़ा हिसाब से पेसेंट को लक्षण देखा जाए था किंबा पेसेंट बांतिर ब्लड आसे जोटा को आम हेमाटेमासीस रक्तवांति कहता तो यही सब मेजर लक्षण। आउ जदि सीभीयर कंडीशन हेपाटाइटिस बी गोटे मेन कारण है लिवर कैंसर तेणु केत बहुत सब कंडीशन जो पेसेंट न्यूली डिटेक्टेड हो लिवर कैंसर आम तार हेपाटाइटिस बी सी कला बेलू से हेपाटाइटिस बी किंबा सी पॉजिटिव आसटा कि प्रिभेन्ट करता जदि आम हेपाटाइटिस बी सी आरंभ ट्रीटमेंट करूँ हेपाटाइटिस सी तो क्योरेबल हो जाए 3 मास हेपाटाइटिस बी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलुच्चे आम लिवर कैंसर भी प्रिभेन्ट कर लक्षण को अणदेखा कर अवहेला कले जटिलता वृद्धि पाई थाए लिभर सिरोसिस एवं लिभर कैंसर भली मारात्मक रोगर संभावना बढ़ी जाए थाए। प्रत्येक हेपाटाइटिस रोगी आगर चिन्हट हवा कथा ताल चिन्हट हेले सिना आम तार ट्रीटमेंट करपर तेणु आम जो भी रोगी को सस्पेक्ट कराऊ कि जो रोगी को जंडिस होवा कामल रोग होने सस्पेक्ट कर हेपाटाइटिस हो पाए तार ब्लड टेस्ट करवा निहाती दरकार। ब्लड टेस्ट आमको जना पड़ जाए हेपाटाइटिस बी सी अच्छी कि नहीं जदि हेपाटाइटिस बी सी नहीं तमें आमे ताकू सजेस्ट कर पारे हेपाटाइटिस बी रो वैक्सीन अवेलेबल जोटा कि 3टा डोज
जीरो मंथ जीरो डे तापर वन मंथ पर सेकेंड डोज तापर सिक्स मंथ पर थर्ड डोज जो तीन टा डोज नेले अलमोस्ट 100% आमको सेटा प्रोटेक्शन दे पारियो फ्यूचर हेपाटाइटिस बी हबनी तेणु आमको डायग्नोसिस फास्ट दरकार तापर जदि जार नेगेटिव अच्छी ताकू समस्त को वैक्सीनेट करिया कथा हेपाटाइटिस बी एवं हेपाटाइटिस सी जदि काहाको अच्छी ट्रीटमेंट करिया दरकार तापर गोटे प्रेग्नेंट मदर जदि हेपाटाइटिस बी पॉजिटिव होउछि किबा सी पॉजिटिव होउछि ताहले ता थ्रो रे ता छुआ को ट्रांसमिट होबार चांसेस अछि तेणु सबू प्रेग्नेंट मदरंकर हेपाटाइटिस बी टेस्ट होबा दरकार आउ जदि किए हेपाटाइटिस बी पॉजिटिव अछि ता छुआर अर्ली ट्रीटमेंट होबा दरकार आउ जदि हेपाटाइटिस बी पॉजिटिव मदर नाही नेगेटिव अछि ताहले ता छुआर इमिडिएटली बर्थ परे वैक्सीनेशन होबा दरकार आजिकालि गवर्नमेंट शेड्यूल रे छुआ मानकर वैक्सीनेशन जो शेड्यूल आछि सेतरे हेपाटाइटिस बी भी इंक्लूड हो गला तेणु अलमोस्ट सब छुआ मानको हेपाटाइटिस बी वैक्सीन दबा दरकार तीन टा डोज किंबा चारिटा डोज दि जाए आउ गोटे पेसेंट हो जोटा रिस्क पेसेंट है डायलीसीस पेसेंट जार क्रोनिक डायलीसीस चलती से हेपाटाइटिस बी सी होबार चांसेस अच्छी तो सेमानकर पीरियडिकल टेस्ट होबार दरकार और हेपाटाइटिस बी वैक्सीन नबा दरकार प्रत्येक वर्ष जुलाई मास 28 तारीख रे वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे पालन करा जाय एही दिवस पालन रो उद्देश्य हेपाटाइटिस संपर्क रे जानिबा जणैबा एवं जिणिबा वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे रो लक्ष्य कोन आमे कोन पई एटा प्रतिवर्ष पालन करू प्रतिवर्ष जुलाई 28 रे आमे वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे पालन करू जार मुख्य कारण है आम लोक हेपाटाइटिस विषय सचेतन करवा लोक सचेतन हेले से हेपाटाइटिस बी रो टेस्ट करेंगे एवं हेपाटाइटिस बी रोगरु से मुक्ति मिलिबो एवं वर्ल्ड को आम हेपाटाइटिस फ्री करिपरिबा जोटा कि आम वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे रो लक्ष्य तेणु प्रत्येक लोकर टेस्ट होगा दरकार सस्पेक्टेड जदि किए हेपाटाइटिस अच्छी कार लक्षण अच्छी हेपाटाइटिस टेस्ट करवा दरकार एवं प्रत्येक हेपाटाइटिस व्यक्तिर ट्रीटमेंट होगा दरकार एवं जी हेपाटाइटिस नेगेटिव अच्छी ताकू वैक्सीनेट करवा दरकार एवं प्रत्येक प्रेग्नेंट मदर रो हेपाटाइटिस टेस्ट होगा दरकार एवं ता छुआ वैक्सीनेट होगा दरकार हेपाटाइटिस बी वैक्सीन छुआ नबा दरकार एवं हेपाटाइटिस बी रो जो स्टिग्माटा अच्छी आम लोक भितर जो सब डर अच्छी हेपाटाइटिस बी ताकू आम दूर करवा लोक मान भर सचेतन करवा से पर्सनाल लेवल आम कर लोक सचेतन लिफलेट दे पार अलग सचेतनता शिविर कर लोक बुझे पार्बा हेपाटाइटिस बी केमती ट्रांसमिट होमती प्रिभेन्ट करा कर गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव रहा दरकार डिफरेंट एनजीओ इनिशिएटिव रहा दरकार लोकों भितर तो जो थे कि आम वर्ल्डटा को हेपाटाइटिस मुक्त करा जोटा कि आम लक्ष्य हेपाटाइटिस डे आज अध्याय विशेषज्ञ दे परामर्श आपण मानक सचेतन और सतर्क करम को आजपाई विदाय दिंतु रोचु नमस्कार।